अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप सही है। सीन कुछ ऐसे हैं कि मैंने जो है अभी जाना है मार्केट, कंप्यूटर वाली मार्केट से मैंने जो है कंप्यूटर के रेट्स लेने। असल में मैं चाह रहा हूँ कि इस रूम को जो है इस पूरे रूम को रेनोवेट करना चाह रहा हूँ, स्टूडियो टाइप बनाना चाह रहा हूँ। और तो असल में बात कुछ ऐसी है कि ये स्टूडियो का आइडिया कहाँ से आया मुझे, इस तरह से आया कि पहले मैं जो है अपना सेल फोन चेंज कर रहा था, आईफोन एक्स ले रहा था। फिर मैंने कहा यार आईफोन एक्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है इतनी खास। मैंने अपने फ्रेंड दानिश से भी बात की तो उसने मुझे ये कहा कि असल मोबाइल आपके पास अभी ठीक है ये, और अगर आपने करना भी है तो आप ऐसा करो कि जो है अपना एक पीसी बनवा लो जिसके ऊपर आप जो है ना अपनी परफॉर्मेंस एडिटिंग वगैरह, वीडियो एडिटिंग वगैरह अगर आपको मुश्किल होती है जैसे कि आप कहते हो, तो आप जो है उसके ऊपर अपने जो है ना हैवी टास्क अपने कर सकते हो। तो 70,000 में बहुत अच्छा पीसी भी बन जाएगा और आपका ये पूरा जो है ये रूम जो है ये भी रेनोवेट हो जाएगा। असल में मेरे पास जिसके ऊपर मैं पहले एडिट करता था वो था मेरे पास तोशिबा का लैपटॉप था जो मेरे बाबा ने भेजा था तकरीबन 5-6 साल पहले, लेकिन वो उसका जो है वो हो गया ख़राब। ख़राब तो नहीं हुआ लेकिन उसकी बैटरी वगैरह परफॉर्मेंस वगैरह जैसे एक चीज़ पुरानी हो जाती तो इससे भी दिल भर गया। उसका जो है काफ़ी उसके अंदर जो है ना इशू वगैरह आता था वीडियो एडिट करने में, तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि मैंने मोबाइल तो यही सही है, मोबाइल इससे भी सही वीडियो बन जाती है और रिजल्ट इसका भी अच्छा है, तो क्यों ना जो है ना एक पीसी वगैरह बनवा लिया जाए जिसके ऊपर वीडियो एडिटिंग वगैरह भी हो जाया करेगी और जो है बाकी टास्क वगैरह भी हो जाएंगे। तो और बाकी इस रूम की जो है पूरी रेनोवेशन भी हो जाएगी। तो अभी जो है जाना है मार्केट जाके जो है रेट्स पता करने हैं मैंने कंप्यूटर के, क्योंकि 8-10 साल हो गए हैं मैंने जो है कंप्यूटर जो है नहीं, मोबाइल्स का तो पता है लेकिन कंप्यूटर का जो है ना नहीं पता। तो बजट जो है तकरीबन 50,000 से 60,000 है जिसके अंदर उम्मीद है कि 24 या 27 इंच की जो है ना LCD लेनी है, LED या LCD जो भी मिल जाए, और उसके अलावा PC जो है तकरीबन रिक्वायरमेंट जो है उसकी ये है कि 1 TB उसकी हार्ड डिस्क हो, एक जो है 8 से 16 GB रैम हो ताकि, और एक ग्राफिक कार्ड लगा हो ताकि जो है वीडियो एडिटिंग करने में और एडिटिंग पिक्चर एडिटिंग करने में या सॉफ्टवेयर रन अप करने में ना कोई इतना प्रॉब्लम ना हो। तो एक डेस्क लेना है इस पूरे रूम की जो है रेनोवेशन करनी है। कितने तक का जो है ना एक PC जो है बन जाएगा, तैयार हो जाएगा? उम्मीद करता हूँ कि जो है 50 तक भी बन जाए तो सही हो जाएगा, 50 या 55 तक, ये 60 तक भी बन जाए 10,000 फिर भी बच जाएगा। और कम से कम जितने भी होगा कि कम से कम जो है ना खर्चा कराना है बाबा का, इतना ज़्यादा नहीं कराना। मोबाइल के पैसे जो है मैंने फिर उसके अंदर PC के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ ताकि जो है उसके अंदर परफॉर्मेंस और एडिटिंग वगैरह अच्छी हो जाए, तो रिज़ल्ट इसका भी सही है, इसका भी इतना कोई ख़राब नहीं है। तो वही सोच रहा हूँ कि जो ना अब जाके बाइक जो है भाई लेके गया हुआ, भाई जैसे आता है जाके मैं रेट्स वगैरह कन्फर्म करता हूँ और एस्टिमेट लगाता हूँ कि कितने तक का जो ना PC वगैरह रेडी हो जाएगा। तो तब तक के लिए बनिए रहिए, देखते हैं मार्केट जाते हैं। ओके, इसके बाद चलिए। भाई हाफिज साहब बैठे हुए थे यहाँ पे, तो PC कॉर्नर तो नहीं है वही। लेकिन अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? तो भाई ठीक है सर, PC बनवाना था सर, मुझे इतना आइडिया तो नहीं है लेकिन 1 TB हार्ड डिस्क और 18 बेसिकली जो है ना वीडियो एडिटिंग के लिए बनवाना है। तो हाँ मैं वही बता रहा हूँ ना, 1 TB हार्ड डिस्क और 8 या 16 GB रैम और एक ग्राफिक कार्ड कोई अच्छा सा लगा हुआ। रेंज तकरीबन 30 तक हो जाए या 35 या 40 तक। सर्वर बनवा ले, ज़ियोन बन जाएगा अच्छा सिस्टम। अच्छा GoPro मदीना, चावल खाने जा रहे हैं इतने गर्मी में। निकाल यार, नहीं जाती आगे से, देख तो सही। अब
अब आगे वो गाड़ी आ जाएगी। सो वी केम हियर टू ईट मदीना चटनी पुलाव। सिंगल मीडियम कौन सी है? सो फाइनली बैक टू माई होम। आज के दिन बहुत ज़्यादा काम थे और यार एक ये शोर बहुत अच्छा है, एक मैं लाइट जला लूँ। हाँ अब कुछ बेहतर है। तो फाइनलाइज ये हुआ है कि पीसी जो है पता किया है मैंने, लैपटॉप का रेट भी लगाया था तो वो ये कह रहे थे 25,000 जो है ना उसका रेट लगा। और उसके अलावा ये है कि 25,000 वो सेल होगा अगर उसकी बैटरी 25,000 का वो सेल होगा। और उसके अलावा ये है कि पीसी जो रिक्वायरमेंट्स मेरी हैं वो उसके थ्रू चलते हुए 1 TB हार्ड डिस्क SSD की और 8-12 GB रैम और एक ग्राफिक कार्ड अच्छा, तो उन्होंने रफली एस्टिमेट बताया है वो है तकरीबन 32,000 रुपीज़ का जो है आपका PC जो है तैयार होगा। और उसके अलावा 24 इंच की LCD या 27 इंच की वो उनसे बात की थी, वो कह रहे थे वो अभी आई नहीं है तो जैसे है कि आपको बता देंगे अगर आपने लेनी होगी। 24 इंच LCD की जो प्राइस थी वो थी तकरीबन 10,000 रुपीज़ टू 11,000 रुपीज़ जो है आपको मिल जाएगी। जब आप लेने आएंगे तब मज़ीद कम पेशी हो जाएगी। तो उसकी वीडियो मैं इसकी वजह से नहीं बना सका क्योंकि वहाँ पर जो है एक तो रश बहुत था और उसके अलावा वो टाइम भी बहुत ज़्यादा था, टाइम बहुत ज़्यादा जो है ना कंज्यूम हो जाता है। इसलिए मैंने रफली एस्टिमेट उनसे पूछ के उनसे बता दिया था कि जो है ना सर आप रफली एस्टिमेट मुझे बता दें कि जो है ना इतना बन जाएगा। और उसके अलावा ये है कि अब लैपटॉप सेल करके उसके बाद वो PC बनवाएंगे, PC के बाद फिर LCD के बाद फिर ये पूरे जो है ना इस वॉल का जो है पेंट चेंज होगा और उसके बाद फिर मिलते हैं। अब पैसे इकट्ठे होंगे तो फिर बताऊंगा। सारा दिन जो है घूमता रह गया हूँ, कभी इधर काम। आपको पता है कि ईद की शॉपिंग वगैरह करनी है लोगों ने, 2-3 दिन बाद जो है ना लॉकडाउन हो जाएगा तो इसकी वजह से जो है ना वो काम करना पड़ गया इधर उधर, तो सारा दिन वहाँ घूमता रह गया। फाइनल बस यही है कि अब 3-4 दिन तक जो है PC जो है वो इंशाल्लाह बनने दे देंगे और जैसे वो बन जाएगा फिर उसके बाद जा कर ले आएंगे। तब तक इस वॉल का जो है कलर चेंज करने के बाद थोड़ी सी लाइटिंग वगैरह है वो चेंज करनी है और एक टेबल वो लेनी है। तो तब तक के लिए फिर मिलते हैं, चलें ठीक है, फिर देखें फिर वो कब वो सेल होता है और उसके बाद कब वो लेते हैं। क्योंकि वो परचेज नहीं कर रहे थे लैपटॉप, उन्होंने कहा कि हम आपको रेट लगा के दे देंगे लेकिन हम परचेज नहीं करेंगे आपसे। तो अब देखो किसी फ्रेंड के थ्रू अगर वो बिकता है तो उसके बाद ये PC जो है ना फिर बिल्डअप करेंगे, तब तक फिर इस वॉल का जो है जब तक पेंट वगैरह करेंगे। तो साथ साथ अपडेट आपको करता रहूँगा कि कैसे कैसे वो किया, क्या क्या चीज़ बनवा दिया, क्या क्या चीज़ बनवानी है। तब तक के लिए इजाज़त, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और भाई के चैनल को शेयर भी कर देना वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Take a step back.